अभी आप कौन हो, आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपका कर्तव्य क्या है। आप एक स्टूडेंट हो, आपका कर्तव्य है पढ़ाई करना। पढ़ाई से डिमोटिवेशन होना, क्या आप समझते हो? आपने इस वीडियो को क्लिक किया, आप ये समझते हो कि पढ़ाई का मोटिवेशन मुझे मिल जाएगा। पता है, पढ़ाई का कोई मोटिवेशन नहीं होता, एक पैशन होती है, जिद होती है, जुनून होती है। पढ़ाई तो वो चीज़ है जो इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाए, किसी ने आज तक डिफाइन नहीं किया है। अगर आप आज इस संसार में आए हो तो कुछ नया करने के लिए, पढ़ाई आपका जिद होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। पढ़ाई के लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप इस वीडियो के एंड तक पढ़ाई को अपना टारगेट मानो, पढ़ाई को अपना गोल मानो, पढ़ाई को अपना एक बेहतरीन मोटिवेशन मानो, क्योंकि आपका जो अंदर से मोटिवेशन निकलेगा वो उसके लिए किसी मोटिवेशन वीडियो की ज़रूरत नहीं होगी। और आप क्या समझते हो पढ़ाई? आज के समय में सक्सेसफुल इंसान भी पढ़ाई करता है, क्योंकि वो मानता है अगर मैंने पढ़ाई स्टॉप कर दी तो मेरी सक्सेसफुल जर्नी एंड हो गई, मेरा जो पॉइंट है, जो मेरा सक्सेस का पॉइंट, वो वहीं पर रुक जाएगा। इसीलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ से डिमोटिवेट होते हो तो सोचो, पढ़ाई एक एम है, पढ़ाई एक टारगेट है, पढ़ाई एक गोल है? नहीं, पढ़ाई एक पैशन है। इसे जिद, जुनून एंड पैशन तीनों के साथ फॉलो करना है। पढ़ाई के लिए आज के बाद किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, बल्कि अंदर के मोटिवेशन यानी पैशन की ज़रूरत होनी चाहिए। कि आपको पढ़ाई करके करना क्या है, उसको टारगेट करो, उसको गोल लिखो, उसको सामने चिपकाओ, टेबल के सामने चिपकाओ कि पढ़ाई मेरा मोटिवेशन देखना वीडियो नहीं होगा, अंदर से मोटिवेशन निकलेगा। पढ़ाई को मैं अब किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, अंदर से मोटिवेशन आएगा। कम ऑन, अंदर से मोटिवेशन आएगा। और अभी अगर कभी डीमोटिवेशन फील करो तो 3P याद रख लेना। 3P यानी पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। क्या बोला मैंने? पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। कम ऑन, इन तीनों चीज़ों को हमेशा फॉलो करो, क्योंकि ये आपको एक अंदर से नया मोटिवेशन लाने की हिम्मत देंगे। और आप अगर समझते हो कि पढ़ाई एक छोटी सी प्रक्रिया है, नहीं, जीवन भर पढ़ना इस संसार के ज्ञान को अचीव नहीं कर सकते। क्या है इस पढ़ाई का मतलब? पढ़ाई का मतलब वो सभी कुछ है जो हम अभी तक नहीं सीख पाए। हमने जो सीखा वही हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और पढ़ाई के साथ आप अगर कोई डिमोटिवेशन सा फील करते हो तो उससे दूर हट जाओ। अगर आपसे कोई कहता है खेलने चले, दूर हट जाओ। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई आज मत पढ़, दूर हट जाओ, क्योंकि पढ़ाई तेरे लिए बहुत बेटर है, क्योंकि तू समझ सकता है कि पढ़ाई क्या है, वो नहीं समझ सकता, इसीलिए वो तुझे ले जाने के लिए आया, उससे दूर हो जाओ, उसको कभी साथ मत रखो। मैं लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको आगे जाने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। एंड साथ ही 3P रूल हमेशा याद रखना। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।